नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, यही वजह है जो कि भारत में हर त्यौहार पूरे हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। कोई भी त्यौहार आता है तो कई बार ऐसा होता है कि कई तरह के लोग त्यौहार में आपके घर उस त्यौहार की खुशी में पैसे मांगने जरूर आते हैं, लेकिन इन लोगों में एक ऐसा तबका है जो त्यौहार के समय में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम किन्नरों की बात कर रहे हैं। किन्नर सिर्फ त्यौहार पर ही नहीं बल्कि जब घर में कोई शादी होती है या किसी बच्चे का जन्म होता है तब भी किन्नर सबसे पहले बधाई देने वहाँ पहुँचते हैं। जब किन्नर किसी चीज़ या त्यौहार पर आपके घर पर आते हैं तो पैसे लिए बिना जाते नहीं। अगर आप उन्हें मुँह मांगी कीमत दे देते हैं तो वे खुश होकर आपको दुआएं देकर जाते हैं। कहा जाता है कि दी हुई दुआएं में बहुत ज़्यादा असर होता है और ये दुआएं किसी की सोई हुई किस्मत को चमका सकती है। वहीं बात की जाए किन्नरों के दी जाने वाली बद्दुआओं की, तो अगर किन्नर किसी को बद्दुआएं दे देते हैं तो इंसान की ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। किन्नर जब आपसे पैसे मांगते हैं तब आप उन्हें चुपचाप पैसे देकर रवाना कर देते होंगे और उन्हें ज़्यादा बहस नहीं करने देते होंगे, लेकिन आपको बता दें कि अगर आप किन्नर को पैसे देने के बाद ये दो जादुई शब्द बोलते हैं तो आप अत्यधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये दो जादुई शब्द बोलने से आपकी संपत्ति में बढ़ोतरी होने लगती है और आपको दोगुना धन लाभ होता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन दो जादुई शब्दों के बारे में। जब किन्नर आपसे घर या ऑफिस या दुकान में पैसे मांगने आए तो आपको उसके पैसे देने के बाद जरूर बोलना है और आइएगा। आपको शायद ये शब्द बहुत आम लग रहा हो, लेकिन क्या आपने आज से पहले ये शब्द किसी किन्नर को बोले भी थे या नहीं? शायद आपका जवाब ना हो। अगर आप किन्नर को ये शब्द बोलते हैं तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उन्हें पैसे पूरे दिल से दे रहे हैं और किसी मजबूरी में नहीं, इसलिए जाते समय वह आपको पूरे दिल से दुआ देके जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।